बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र के साथ आज वीडियो करते हैं शुरू। तो आज जो कल के अधूरे काम है वो पूरे करने में बाहर जा रहा था। एक पहला काम जो बैंक का है, तो मैं बैंक नाश्ता वगैरह करके बैंक जाने के लिए रेडी हुआ था। तो ये अरहम ये मुझे जाने नहीं दे रहा, ये रोने लग गया कि मुझे उठाओ। तो इसको उठा कर मैं आ गया बड़े कमरे में। अब देखिए कैसा आराम से मेरे पास बैठा है और बाहर देख रहा है अपनी दादी जान की तरफ। तो इसको उतार कर चलते हैं पहले बैंक। बैंक से आकर कैसर भाई का जो काम था उसके साथ जाएंगे। कैसर भाई का काम मैंने बताया नहीं आपको, आप बताता हूँ। कैसर भाई ने निकलवानी है गाड़ी बैंक से, तो उसके लिए चाहिए गारंटर। तो मैं बन जाऊँगा गारंटर। गारंटी मैं दे दूँगा अपनी, साइन वगैरह मैं कर दूँगा गारंटी वाले। तो इसी वजह से कैसर भाई मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। कल हमारी बात नहीं बनी थी तो आज हम फिर से जाएंगे। उसके बाद जो बाहर हमारी रूढ़ी है ईंटों की तोड़ी हुई, जो कल पठान भाई ने तोड़ी थी, उसको हम ऊपर छत पे जो है नीचे फेंक देंगे छत पर जाकर पीछे वाले कमरे में। तो कल के बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग है। ये देखा ऐसे करता है, कल के बहुत सारे काम है जो पेंडिंग है। तो आज वो सारे के सारे काम करेंगे। कल रिक्शे से भी छुट्टी हो गई थी तो आज कोशिश करेंगे काम खत्म करके रिक्शा चलाएं। तो अभी देखते हैं काम खत्म होता है या नहीं होता। आ चुका हूँ वापस, काफ़ी देर का वैसे आया हूँ। आखिर मैंने खाना वगैरह भी खा लिया। अब हम करने लगे अपने कमरे का काम शुरू। प्यार भाई ने शुरू कर दिया है। इस साइड पे जो मिट्टी है यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो जो सामने आपको नजर आ रही है थोड़ी एंड वाला हिस्सा जो कमरे का, वहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी कम है। तो इधर से उठाकर उधर फेंकेंगे, क्योंकि वो वाली साइड जो है वो थोड़ी अप रखेंगे, ऊँची रखेंगे, ताकि उधर का पानी जो है बाहर आ सके सामने। तो इधर से मिट्टी उठाकर थोड़ी उधर फेंकेंगे, उसके बाद फेंकते हैं रोड़ी। तो करते हैं काम शुरू। यकीन करें अंदर वो सांस लेना मुश्किल है, मास्क के अंदर भी सांस लेना मुश्किल है। तो फरियाद भाई बेचारे कर रहे हैं, वो देखिए घटा दूर से ही कितना घटा है। तो अंदर आप सोचिए अंदर कितना होगा। देखिए कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ गुर्दों का बाहर घटा नज़र आएगा, इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। फरियाद भाई भी नज़र नहीं आ रहे। ये देखें ये हैं फरियाद भाई, यकीन कर ओ भाई घट्टे में नज़र कुछ नहीं आता, घट्टा ही नज़र आ रहा है। ये देखें ये जो चार हमारे गार्डर हैं, ये फरियाद भाई ने अकेले ने उठा कर रखी हैं बाहर, क्योंकि मैं अरम को लेकर गया था बाहर। तो अभी फरियाद भाई बाहर आ चुके हैं, मैं भी चाहता हूँ बाहर। थोड़ा सा जाए गुरुद्वार कम होगा, फिर से अंदर जाएंगे वापस। कमरा वगैरह मिट्टी कमरे से मिट्टी वगैरह जो हमने उठा लिया, फरियाद भाई ने उठाई, मैंने नहीं उठाई। तो अब हम जो रोड़ी है नीचे पड़ी हुई बजरी जिसको हम कल बोल रहे थे, उस बजरी को उठा कर फेंकेंगे। और एक जैसी तकरीबन सारी हमने उठानी है, चाहे वो कमरे में पूरी आकर बच जाए, तो जो बच जाएगी हम किसी साइड पर लगा देंगे, लेकिन उठानी सारी की सारी है। अभी करते हैं काम शुरू। ये देखें ये हमारी रोड़ी है जिसको हम बजरी बोल रहे हैं कल के। तो ये हम फेंकेंगे ऊपर, ये सारी की सारी हम ऊपर लेकर जाएंगे। और फरियाद भाई बोल रहे हैं कोशिश करते हैं जितनी चली जाएगी सारी गई सारी लेकर जाएंगे, अगर बच गई थोड़ी सी तो वो सुबह उठा लेंगे जितनी जाती है, क्योंकि शाम पड़ने वाली है तो जितना शाम तक हमसे उठाई जाएगी तो हम उठाएंगे। अगर कोई प्रोफेशनल होता तो वो तो उठा लेता, हम प्रोफेशनल नहीं है इस काम के। ये वाला मेरा तांबिया, तो ये मैं उठा के लेकर जाऊंगा। आकाश भाई भी आ गए हैं, तो आकाश भाई हमें तांबे भर कर दे रहे हैं मुझे और फरियाद भाई को। तो हम लेकर जा रहे हैं ऊपर। ये फरहान है बस? की बस हाँ हो बस भर गया। तो ये देखिए काफ़ी सारी हमने उठा ली है, आधी तो नहीं हुई अभी, लेकिन तकरीबन तो थोड़ा सा और हम मेहनत करेंगे तो आधी भी हो जाएगी थोड़ी देर तक। सांस फूल गया, तो तांबे खाली करके आया हूँ मैं अंदर से।
फिजान भी हमारे साथ ऐसे थक रहा है, हमारे साथ ऊपर आ जाता है, हमारे साथ नीचे चला जाता है, तो ऐसे ही इसको भी सांस, इसका भी सांस फूल रहा है। तो मुसलसल अगर हम काम करते हैं ना मुसलसल, तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ से उठा लेनी थी, लेकिन हम बीच में रुक जाते हैं, कोई आ जाता है गली का यार दोस्त या वाकफ हमसाया, तो उससे बात करना शुरू हो जाते हैं अगर दो चार मिनट वैसे ही, तो उस उतने में मकसद हमारा ये होता है थोड़ी देर सांस लेते हैं, फिर करते हैं पाँच सात दस तांबे फेंकते हैं, फिर थोड़ी देर पाँच सात मिनट दस मिनट सांस लेते हैं। तो अगर मुसलसल फेंकते तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा उठा लेनी थी, तो आधी होने वाली है। बस कर दी है, मैं मुँह हाथ धोकर धोकर अभी आया हूँ आकाश भाई के कमरे में। ये सारा सामान जो अंदर के कमरे में था जो बाहर निकाला, तो अभी इधर ही पड़ा है। आकाश भाई बैठे हैं अपनी अपनी जगह पर, यहाँ पर बैठ कर कंप्यूटर पर कोई मूवीज़ वगैरह या कुछ भी देखते हैं यूट्यूब पर, मूवीज़ या कोई पबजी वाली जो वीडियो होती है वो वाली, उसके अलावा इंडियन फिल्में जो पसंद आ जाए। तो मैं भी आया हूँ आकाश भाई के पास, बाकी का जो काम है वो करेंगे सुबह। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ रिहर्षि को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है अगले दिन की, तो नाश्ता वगैरह कर लिया और हम जब तक कंप्यूटर पर उसको कोई कार्टून वगैरह ना लगा कर दें, वो दूध नहीं पीता तो वो कंप्यूटर लगाया था अम्मी जान, लेकिन छत पर अरम को, तो वो मैंने तारे निकाल दिया कंप्यूटर की। बाकी जो रह गया काम कल वाला, जो बजरी वगैरह ऊपर हमने कमरे में डालनी थी रह गई है, जो वो आज हम मैं और फरियाद भाई काम मुकम्मल करेंगे, तो थोड़ी देर बाद वो करेंगे काम शुरू। ये वाली हमारी बजरी रह गई है ऊपर छत पर, जो हम लेकर जा रहे थे आधी हम तकरीबन लेकर चले गए हैं, आधी से थोड़ी सी कम थी, ये आधी थोड़ी सी ज़्यादा है, जो हम लेकर गए थे वो थोड़ी सी कम थी। अभी करते हैं अपना काम शुरू। तो भी रोक लिया बेचारा, घर खाना खाने आया था एक बजे, तो अभी दो बजे वापस जाने लगा था, तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा ये हमारे साथ ये काम जो ख़त्म करवा दो, ताकि बाकी का जो काम है रेत भी लानी है आज, और रेत वैसे लानी है ऊपर लेकर नहीं जानी, सिर्फ लानी है, और मैंने मार्केट भी जाना है, तो ये सारे के सारे जो काम खत्म हो जाएंगे। तो आकाश भाई बोल रहा है कि अगर मैंने काम शुरू कर लिया तो मैं काम पर छुट्टी हो जाएगी, करनी पानी है फिर। हाँ, तो फिर अभी भी आ रहे हैं, तो अभी अपना काम करते हैं शुरू। अब हम हो गए हैं तीन, पहले हम दो थे, अब हम हो गए हैं तीन। ये कि मैसेज SMS आया है, उसकी आवाज़ भी मेरे हिसाब से रिकॉर्ड हो जाएगी। ये देखें जी, आज का काम कर दिया शुरू आकाश भाई, तांबे भर कर देंगे और मैं और फिर भाई दोनों ऊपर लेकर जाएंगे छत पर। बस ये थोड़ा सा रह गया, ये आप देखें सिर्फ यही सा रह गया, बाकी सारे जो कमरे में वो बजरी डाल दी हमने। ये हमारा एक घंटे से भी पहले पहले हमने ये अपना जो कमरा क्लियर कर लेना है इंशाल्लाह, उसके बाद जो बचेगी इधर किसी जगह पर थोड़ी सी सफाई कर कर जगह बनाकर बाकी इधर लगा देंगे। रियाज भाई ये देखने आ रहे हैं, हाँ जी फिर साहब मज़ा आ रहा है? मैं कहना क्या बात है, सबसे मुश्किल काम जो है मैं ये मजदूरी का, मैंने कहा था ऐसे पर पहले पता था कि मुश्किल है, तो आप करके देखा है वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये धूल देखें आप कैमरे में भी कितनी आ रही है। कमरा हमारा मुकम्मल हो चुका है और जो बजरी थी सारी की सामने सारी हमने उठा ली है, जितनी तो डलनी थी हमने डाल ली है, बाकी सारी सारी इधर लाकर हमने एक जगह इकट्ठी कर दी है। ये आप देखें, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी वो उधर पूरी हो गई, अब ये एक जगह पड़ी है, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी इस कमरे की भी इसी के साथ, तो ये बजरी इधर आ जाएगी। अभी भी सांस फूल रहा है, तो अभी अभी हमने फेंकी है, फेंक कर सबसे पहला काम मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। अभी मैं और फिराद भाई जाएंगे रेत लेने, तो रेत की ट्राली लेकर आएंगे, और ये सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि जो भी चीज़ है ईंट बजरी रेत सीमेंट वगैरह हमारे दरवाजे पे आ जाता, अगर बाहर किसी और जगह पर उतारते तो वो डबल मेहनत थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का हमारे दरवाजे तक आ जाता है। रेत लेने जाएंगे तो रेत जो है सुबह उठाएंगे, हम उठाएंगे या किसी से लड़के से उठवा लेंगे, ये सुबह पता चलेगा, तो सुबह मिस्त्री का काम भी शुरू करेंगे। अभी चलते हैं मैं और फिर भाई रेत लेने। ट्राली ली है हमने रेत की, तो भाई बैठ गया ऊपर स्टार्ट करने लगा, स्टार्ट करके भी वो जाएगा डबल, और फिर भाई और मैं जा रहे हैं वापस,
तो फिराज भाई रुकेगा डबल का स्टॉप पर और मैंने जाना थोड़ा सा काम आगे, आगे एक लड़के से मिलना है। तो ये वाली ये जो आपको नज़र आ रही है इसका सौदा हमारे साथ हुआ है। तो ये अभी भाई हम पहले जाएंगे, भाई पीछे आ जाएगा, नंबर भाई ने ले लिया, तो वहाँ पर आकर फिराज भाई खड़े रहेंगे। चलिए चलो, तो अब हम चलते हैं। मैं आ गया हूँ छोटो भाई की शॉप पर, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का था मुझे काम था, तो वो गया हम सारी लगाने। तो गाड़ी आ गई है अपने पार्ट साहब के साथ, गाड़ी डेकोरेशन करेंगे उसके बाद चलेंगे घर। गाड़ी हमारी हो चुकी है तैयार, और मैं रंग से भाई और मानी भाई तीनों ने किए तैयार। इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं गाड़ी जो है डेकोरेट कर रहा था भाइयों के साथ। मतलब बहुत ही खूबसूरत है ये शॉप है। भाई अब आपको दिल का जो दिल बनाते हैं फ्लावर का, उसका फ्रेम बनाकर दिखाएंगे। अभी नहीं लगाएंगे, अभी फिलहाल तैयार कर रहे हैं। ये देखो मसला कितने सारे तैयार करके रखे हैं। जगीर भाई के पास और यकीन करें काफ़ी देर से बैठा हूँ, रात पड़ गई है, तो मेरा उठने को दिल नहीं कर रहा यहाँ से। जगीर भाई अपना दोस्त है ना, अपना भाई है, तो आपको पता ही है हमारे साथ ही ज़्यादातर होता है फ्लावर के काम में भी, और वैसे भी काफ़ी जगह पर हमारे साथ ही होता है। तो ये अपना जिगर है, जिगर लेकिन ये जिगर जो हमारा ख़राब हो रहा है सुनने से ही बना रहा। तो यही बात मैं करने आ रहा ना, ठीक हो जा। तो अभी थोड़ी देर और बातें करेंगे, फिर चलेंगे अपने वापस घर को। देखिए रात अभी डल चुकी है, क्योंकि जहांगीर भाई से पास में जो बैठा था तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे वहां पर। रेस वाला जो भाई है वो सारी रेत जो उतार कर चला गया। आज हमारी गली में काफ़ी सारी रोशनी है, क्योंकि एक ये भी नया एनर्जी सेवर लगाया इकबाल भाई ने। चिंची मेरा वो खड़ा है, क्योंकि अगर इधर खड़ा करता मैं तो जाने का रास्ता नहीं बचता किसी और चिंची का या ऑटो रिक्शे का, तो इसी वजह से मैंने पीछे लगा दिया। वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ हर शेयर को दीजिए ज़्यादा दुआ में, याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।